योगी सरकार दूसरी बार बनने के बाद माफियाओं और गौ तस्करों के बुरे दिन भी शुरू हो गए हैं। प्रयागराज में माफियाओं पर कार्रवाई के बाद गौ तस्करों पर भी पुलिस की निगाह टेढ़ी हो चुकी है। इसी कड़ी में आज प्रयागराज के हिस्ट्री सीटर और गौ तस्करी के आरोप में जेल में बंद मोहम्मद मुजफ्फर की कई करोड़ की प्रॉपर्टी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्क किया और उसकी प्रॉपर्टी पर सीलिंग की नोटिस लगा दिया। संख्या 235/21 जो पूरा मुक्ति थाने पर पंजीकृत था, जिसकी विवेचना डोमनगंज थाना प्रभारी द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम पे इनको जानकारी में आई जो मुलजिम है उसका मुजफ्फर, उसके द्वारा कुछ अपराध अर्जित संपत्तियों को अपने रिश्तेदारों भाइयों के नाम से इन्वेस्ट किया गया है और वो इसको इधर उधर कर रहा है बचाने की नीयत से। उसी क्रम में विवेचना के क्रम में इनके द्वारा थाना प्रभारी डोमनगंज द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है। उस रिपोर्ट पर सम्यक रूप से विचारोपरांत जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा निर्णय पारित किया गया दिनांक 30 जुलाई को। उसी क्रम में आज 6 संपत्तियां जो मुजफ्फर से जुड़े हुए उसके लोगों द्वारा उसको बचाने की नीयत से विभिन्न नामों द्वारा उपयोग में लाई जा रही थी, कुर्क की जा रही है और उसको जब्त किया जा रहा है। यहाँ लोगों को अवगत भी कराया गया है कि ये संपत्तियाँ कुर्क कर ली गई हैं। अब इसे कोई भी अगर इसमें प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये संपत्ति लगभग 5 करोड़ की है, जो 6 संपत्तियाँ हैं और इसके पहले भी करीब 5 करोड़ की संपत्ति की यहीं पे आसपास गमरौली प्रहार में ही जब्त की गई। मुजफ्फर इस वक्त जेल में बंद है और उसके ऊपर गौ तस्करी के अलावा कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इससे पहले भी कोर्ट के आदेश के बाद बमरौली में उसकी 5 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया था। सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 235/2021 धारा 2/3 एक गैंगस्टर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट थाना पूरा मुफ्ती जनपद प्रयागराज में अभियुक्त मोहम्मद मुजफ्फर पुत्र स्वर्गीय मुख्तार अहमद निवासी बेगम बाजार थाना पूरा मुफ्ती जनपद प्रयागराज स्थायी निवासी ग्राम चफरी थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज के द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने भाई मोहम्मद अशरफ के नाम अराजी संख्या 172 मिलजुमला रकबा 223.05 वर्ग मीटर मौजा बमरौली उपरहार परगना क्रय किया गया था, जो मोहम्मद अशरफ द्वारा अपने सास साहिबा खातून पत्नी मोहम्मद अहमद निवासी अहमदपुर असरौली थाना पूरा मुफ्ती को विक्रय किया गया था को माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज के वार्ड संख्या C20002030 वर्ष 2022 धारा 14 गैंगस्टर अधिनियम सरकार बनाम मोहम्मद मुजफ्फर थाना धूमनगंज प्रयागराज में पारित निर्णय के आदेश दिनांक 30/7/2022 के तहत कुर्क किया जाता है। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज।